हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएमबी राइजिंग। आज हम बात करेंगे थंबनेल के लिए, थंबनेल होता क्या है और उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और थंबनेल इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी आप YouTube के अंदर कोई भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी लिस्ट आपको सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर आती है, तो उसमें से लेकिन हम कुछ ही वीडियोस को प्ले करते हैं जिसके व्यूज ज़्यादा होते हैं। उस वीडियो के व्यू क्यों ज़्यादा है जबकि वो सेम टॉपिक के ऊपर है? क्योंकि उसका थंबनेल अट्रैक्टिव है। जितना ज़्यादा थंबनेल आपका अट्रैक्टिव होगा उतने ज़्यादा व्यूज आपको मिलेंगे। जब भी आप अपना YouTube का वीडियो बनाइए तो उसके लिए थंबनेल बनाइए, क्योंकि थंबनेल आपका 90% रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट आपका थंबनेल होता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको यही बात बताऊंगा आगे वीडियो में किस तरीके से आप थंबनेल बना सकते हो। ऐसा वैसा थंबनेल नहीं, मैं आपको HD थंबनेल बना के दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ पर हम गूगल प्ले स्टोर में से पिक्सल लैब करके जो एप्लीकेशन है थंबनेल क्रिएट करने के लिए उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड हो चुकी है, अब हम उसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे इसका फर्स्ट यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है जो कि बहुत ही सिंपल शो हो रहा है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आपके थंबनेल को हाईलाइट होने के लिए। यहाँ पे ये देखिए, ये टेक्स्ट है जो 3D में है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट टेक्स्ट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं आपके लिए। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं एडिट भी कर सकता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिट कर लेता हूँ। कार एटमॉस्फेयर मेरा जैसे टाइटल रहेगा तो मैं वो एडिट कर लेता हूँ। ये रहा, इसको आप साइज़ कम ज़्यादा, आपको जितना साइज़ चाहिए उतना उसको एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे आप, मैं इमेज भी इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी 1x1 इमेज, उसको इमेज को क्रॉप करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। क्रॉप जैसे आप चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं इमेज को। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट इमेज इंसर्ट कर ली है मेरे हिसाब से, जैसा मेरे को थंबनेल चाहिए उसके हिसाब से। ये मेरी कार एटमॉस्फेयर लाइट का थंबनेल है तो उसके हिसाब से मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो अपनी इमेज भी इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मेरी इमेज मैं इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरी इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको क्रॉप कर लेता हूँ जिस तरीके से वो अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ और उसको एडजस्ट कर लूँगा साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे अब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। नीचे टैब दिया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, उनको यूज़ करके हम इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर कर दिया। अभी आपको जो भी पसंद आया, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा, मैं उसके हिसाब से कलर सेलेक्ट करूँगा जो कि हाईलाइट हो सभी थंबनेल्स के बीच में, वैसा कलर मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। हर एक थंबनेल के लिए अलग अलग तरीके से आप क्रिएट कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको एक डेमो डेमो ऊपर ऊपर का सेटअप बता देता हूँ किस तरीके से आप इजी वे में क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिकर्स भी इंसर्ट करने को मिलेंगे, इमोजी इंसर्ट करने को मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो उसको हाईलाइट करने के लिए। जैसे मैं ये स्टार्स को यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से इमोजी और डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर आपको दिखेंगे। और इसमें आप साइज़ अप डाउन कर सकते हो वीडियो इमेज का या टेक्स्ट का। आपको डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे जो कि आप चेंज कर सकते हो, कलर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, उनके फॉन्ट चेंज कर लोगे। आपको जितनी बार इंसर्ट करना है टेक्स्ट उतनी बार इंसर्ट कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा थंबनेल पूरा क्रिएट हो चुका है, अब हम उसको सेव कर लेते हैं। सेव इमेज करके यहाँ पे साइज़ पूछेगा आप इमेज का, कौन से फॉर्मेट में करना है वो सब करके सेलेक्ट करके आप उसको सेव कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना थंबनेल क्रिएट कर लिया है। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।